जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, एक्सरसाइज 13.2 के सभी सवालों का काफी इजी सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी सवालों का सॉल्यूशन पाइए। और यहाँ पर देखिए, आपका पहला सवाल है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में जो है कि ज्ञात कीजिए, यानी पाई का जो है कि मान आपको नहीं रखना है, पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, अपने NCERT बुक को पलटिए, एक्सरसाइज 13.2 में जाइए और एक नंबर का सवाल को देखिए। ये एक नंबर का सवाल का हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं एक्सरसाइज, ये 13.2 हो गया। अब पहला नंबर का जो ये सवाल है, तो यहाँ पर ये जो है शंकु अर्धगोला पर है, ये हो गया अर्धगोला। अब यहाँ पर इस पर एक शंकु देना है, शंकु का आकार खींचते हैं, ये शंकु आकार हो गया अर्धगोला पर, ये अर्धगोला है। नाम देते हैं ए बी सी। अब देखो, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोला की त्रिज्या होगी, यानी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। तो त्रिज्या इसका जो है कि 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका 1 सेंटीमीटर है। और इसका ऊंचाई और त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये जो हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसका ऊंचाई सेम है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है शंकु की दिया है, शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर आपको सवाल में दिया है। और त्रिज्या जो है कि ऊंचाई के बराबर है, तो शंकु की जो ऊंचाई हो गया, शंकु की ऊंचाई ये भी आपको 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब ये ठोस का जो है कि आयतन निकालना है, तो इसमें देखिए क्या सब चीज़ है, ये अर्धगोला हो गया, ये क्या हो गया शंकु, यानी अर्धगोला का आयतन है जोड़ शंकु का आयतन हम दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देना है ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन जोर शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h होता है। तो 2/3 हो गया, अब पाए के ही पदों में रहेगा, आर का मान त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोला की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोला का जो त्रिज्या इसकी जगह 1 देंगे, जोड़ देंगे 1/3 देंगे, ये पाए हो गया, आर का मान 1 होगा और इसका ऊंचाई भी 1 है। तो देखिए 2/3 π, देखिए 1/3 है ना, 1 3 बार गुना होगा, 1 × 1 × 1 तो 1 होगा, 1 गुना होके इतना ये रह जाएगा। उसके बाद देखिए 1 × π तो क्या हो गया, π/3। उसके बाद देखिए 1 का² 1 होगा, ये 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, 1 इसमें गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए 3 और 3 का लघुत्तम क्या हो गया, 3 हो गया, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 मर्तबे में कटा और 2 में गुना करेंगे 2π में, तो ऊपर में 2π रह गया, इसमें देंगे फिर 1 मर्तबे में कटा, यानी भिन्न का जोड़ हम निकाल लिए, तो 2 × 1 कितना हो गया, 3π हो गया, 3π/3, 3 और 3 कट गया, इसका मान क्या हो गया,
सी एम क्यू यानी पाई घन सेंटीमीटर, आयतन को हम घन में निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मॉडल का जितना आयतन होगा उतना ही हवा उसमें अटेगा। तो यहाँ पर देखिए, मॉडल सबसे पहले हम बनाएंगे कि ये इसका सवाल जो है, सवाल के अनुसार इसका मॉडल क्या है। तो सवाल के अनुसार कह रहा है कि शंकु है, एक क्या है, ये पहले बेलन है, बेलन के दोनों सिरा पर जो है कि शंकु जुड़ा हुआ है। तो इसको ये दोनों सिरा पर हमको शंकु जोड़ देना है। बना लिए तो यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हो गया बेलन, एगो शंकु और दोगो शंकु, जिस प्रकार से सवाल कह रहा है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ये हो गया ई, इसका नाम हम एफ रख देते हैं, ओ ई ओ डैश। अब देखिए इसका व्यास कितना है, तो व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहेंगे। तो व्यास इसका जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ दिया है, दिया है। व्यास, व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, यानी डी, डी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका त्रिज्या क्या होगा, 3/2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यानी कुल दूरी यहाँ पर कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ दूरी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3/2 सेंटीमीटर होगा ही। अब इसका देखिए प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है कितनी है, तो यहाँ पर दे दिया है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये 2 सेंटीमीटर आपको है, फिर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों शंकु की ऊंचाई सेम है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया है, टोटल दूरी है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए तो हम निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो हम जब निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 2 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ऊपर छट गया, 2 सेंटीमीटर नीचे छट गया 12 में से, तो 2 2 4 यानी 12 में से 4 घटा 8 सेंटीमीटर बचा, यानी बेलन की ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर अब हुआ। तो ये यहाँ पर त्रिज्या आपको निकल गया है, ये त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या होगी और बेलन की भी त्रिज्या होगी। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है कि शंकु की ऊंचाई ये आपको 2 सेंटीमीटर हो गया, इसके ऊंचाई शंकु की ऊंचाई को आप जो है कि H1 मांग लीजिए, और उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको जो है कि H2 मान लेना है। ये आपको देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कहेंगे, तो ये 8 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, आयतन निकालना है, त्रिज्या मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया, तो आयतन निकल जाएगा। तो अब मॉडल का कुल आयतन निकालिए,
मॉडल का कुल आयतन तो मॉडल का कुल आयतन क्या होगा? देखिए दो गो शंकु है, एगो शंकु दो गो शंकु, दो गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जोड़ ये जो बिचला बेलन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो दो गुना शंकु का आयतन होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए दो गुना एक बटा तीन, अब इसमें देखिए पाई का मान, तो पाई का मान हम जो है पाई ही अभी रहने देते हैं, आर का मान देखिए तीन बटे दो है, तो तीन बटे दो का क्या होगा स्क्वायर। बेलन का देखिए इधर क्या है, शुरुआत में शंकु का आयतन ही है ऊंचाई, तो इसको शंकु की ऊंचाई को हम क्या माने हैं एच वन माने हैं, और बेलन की ऊंचाई को हम एच टू माने हैं, तो एच वन का मान कितना है दो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर दो सेंटीमीटर दे देना है, सेंटीमीटर नहीं नहीं लिखे बाद में ही यूनिट हम घन सेंटीमीटर दे देंगे, प्लस कर देना है ये पाई रहने ही दीजिए, इसका भी त्रिज्या सेम होगा तो तीन बटे दो का स्क्वायर हो गया, इसका एस टू का मान आठ है, ये रख दिए। अब देखिए दो गुना एक तो ये दो पाए अब बटा क्या हो गया तीन, यहाँ पर देखिए तीन तिया नौ, दो दूनी चार गुना दो, चूँकि स्क्वायर है तो दो बार गुना होगा, तीन तिया नौ दो दूनी चार, तो यहाँ पर देखिए दो दूनी चार कट गया, ये भी कट गया, तीन तिया नौ पाए है, अब यहाँ पर देखिए तीन तिया नौ दो दूनी चार आठ है, चार दूनी आठ तीन गुना पाए, ये तीन पाए हो गया जोर, देखिए नौ दूनी अठारह तो अठारह पाए, तो अठारह तीन इक्कीस, इक्कीस पाए यानी घन सेंटीमीटर, ये इसका जो है कि आंसर हुआ। अब इसमें देखिए पाई का मान जब नहीं बैठाइएगा तब, अगर आप पाई का मान जो है कि बैठाना चाहते हैं तब इसका देखिए आंसर क्या होगा, ये भी आंसर हो गया, या नहीं तो अगर हम यहाँ पर पाई का मान बैठाते हैं, इक्कीस पाई का मान होता है बाईस बटे सात, सत्तिया इक्कीस बाईसतिया छियासठ घन सेंटीमीटर, इतना हवा इसमें अटेगा, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है एक गुलजामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलजामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलजामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखना है कि 45 गुलजामुन में कितना जो है कि चाशनी होगी, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि गुलजामुन क्या हो गया, आपको रसगुल्ला खाए हैं तो आप देखे होंगे तो जो है कि आपको बेलनाकार होता है, तो तीन नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम तीन नंबर लिख डालते हैं। उसके बाद पहले एगो गुलजामुन का जो कि आयतन निकाल लेना है, 45 गो है तो 45 से गुना कर देंगे तो सबका जो है कि आयतन निकल जाएगा, उसके बाद 30% चाशनी है, चाशनी को हम निकाल लेंगे, यानी पहले एगो गुलजामुन का हम फिगर बनाते हैं। अब देखिए इनका दोनों सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है तो ये अर्धगोला दोनों सिरा पर बना देना है, बना दिए, इसके बीचों बीच ऐसे खींच दीजिए, खींच दिए, इनका नाम रखिए ए बी सी डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ऐसा हो गया, हो
होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्लियर करके दिया है, यानी अर्धगोलाकार सिरे का व्यास दिया है, अर्धगोलाकार सिरे का व्यास, अर्धगोलाकार सिरे का व्यास कितना है, वह है 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार सिरे का त्रिज्या व्यास अगर आपको 2.8 है तो त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी 2.8 में 2 से भाग देंगे तो 1.4, यानी 1.4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। उसके बाद देखिए गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो गुलाब जामुन है इसका लंबाई टोटल लंबाई क्या सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, गुलाब जामुन की टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देना है गुलाब जामुन या गुलाब जामुन जो बोलिए की लंबाई बराबर ये 5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए त्रिज्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। तो अब देखिए ये 1.4 यहाँ से यहाँ तक और 1.4, तो 2.8 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हम लंबाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी 2.8 जो है कि 5 में से घटा देंगे, यानी सीढ़ी की लंबाई क्या हो गया, बेलन की लंबाई। तो 5 - 2 × 1.4 इधर है, तो 1.4 से गुना कर देना है, 5 - 2.8, यानी ये 2.2 निकल के आता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2.2, ये हो गया। होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका जो है कि आयतन निकाल लेना है। हमको सब चीज़ मालूम हो गया है, आयतन निकालना है। तो आयतन में देखिए आधा गोला, एगो गोला हो गया, यानी 2 गो अर्धगोला, 1 गो बेलन, यानी गुलाब जामुन का आयतन ये क्या होगा, 2 × अर्धगोला का आयतन और जोड़ बेलन का आयतन, तो 2 × अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h ये होता है। तो ये 2 × 4/3, और उसके बाद इसमें देखिए पाई का मान क्या कह रहा है, लेने के लिए पाई का मान कुछ भी नहीं कह रहा है, तो हमको जो है कि 22/7 जो है कि इसका आयतन लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है कि पाई का प्रयोग नहीं करना है, पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या है RQ है, यहाँ पर 3 गो r है, यहाँ पर 2 गो r है, तो 2 ये निकाल लीजिए, πr² इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन हम लाएंगे तो देखिए ये 4/3 को जाके अंदर में रहने दीजिए, 2 × 4/3 अंदर में रहा, पाए 2 गो r हम निकाल लिए हैं, तो 1 गो r यहाँ पर बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से पाए 2 गो r निकालिए लिए हैं, तो सिर्फ यहाँ पर h बचेगा, तो ये πr ये स्क्वायर हो गया। होने के बाद यहाँ पर देखिए 4/3 r का मान देखिए 1.4 है, त्रिज्या का मान 1.4 है, ऊंचाई किसका ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई 2.2 बचा है, 2.2। अब ये हो चुका है। होने के बाद आपको करना क्या है,
पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखिए, आर का मान आपको देखिए 1.4 है, 1.4 इसका जो है कि स्क्वायर हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़ निकाल लेना है, तो 14×54 हो गया, ये 22 ये 66 हो गया, बटा ये 3। होने के बाद 22/7 1.4×1.4 ये हो गया। होने के बाद इसको जोड़िए, 6×6 12, 6×5×11 12 बटे ये 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है कि 7×2 14 यानी 0.2 होगा, गुना कीजिए 22×2 44 यानी 4.4, गुना 1.4 गुना ये 12.2/3। अब आपको करना क्या है कि इन सब को गुना कीजिए, इन सब को हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के पश्चात ये मान जो आता है ये 75×1.5×2 आएगा, इसमें 3 से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो 3 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने के पश्चात हमको आएगा 25.0506 ऐसे आता है। तो यानी 25.05 तक ले लीजिए, इतना मान आया। अब देखिए ये एक गोल जामुन का आयतन हो गया, तो इसका मान जो है कि सेंटीमीटर में दिया है, तो घन सेंटीमीटर हो गया। यानी एक गोल जामुन का आयतन का आयतन 25.05 घन सेंटीमीटर है, तो 45 इसीलिए 45 गोल जामुन का आयतन, यानी 25×25.05×45 है, तो 45 से इसमें गुना कर देना है। तो इसमें हम 45 से हम गुना कर देते हैं। गुना करने के पश्चात यहाँ का जो मान आता है वो आता है 1127.25 घन सेंटीमीटर, ये मान आ गया। अब देखिए तो इसके आयतन का 30% चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा हम निकालेंगे, चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा यानी 1127.25 घन सेंटीमीटर में कितना चाशनी होगा, तो एक घन सेंटीमीटर में 30% चाशनी इसमें कितना होगा, 30/ क्या हो गया आपको, 100 हो गया। ये सुनना कट गया, कटने के बाद 10 से भाग दीजिए 0.5, ये आपको 3 हो गया। जब इसको आप गुना करेंगे, इसको 0.3 से हम गुना करते हैं, 0.3 से गुना करने पर ये आता है 338.175, 5 जो है कि, तो घन सेंटीमीटर ये चाशनी की मात्रा हो गई, यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कड़ा एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, तो ये कलम दान हो गया। देखिए ये लकड़ी का आकार कैसा है, तो घनाभाकार है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार, देखिए 1, 2, 3, 4 4 शंकु आकार का गड्ढा बना हुआ है, और घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर यानी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है इसका जो है कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, गहराई इसका जो गहराई है 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो ये तो पूरा लकड़ी था, ये काट काट करके जो है कि बीच से निकाल दिया गया है, तो क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से चारों कलमदान का आयतन यानी शंकु का आयतन घटा देंगे, तो ये लकड़ी का सिर्फ आयतन बचेगा। तो घनाभ का आयतन हम जानबे करते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, और 4 शंकु है, तो 4 जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला है उसमें गुना कर देंगे, मान रख के हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम जो मेन मेन पॉइंट है उनको लिख लेते हैं। तो 4 नंबर में देखिए, पहले हम लिखेंगे कि शंकु का जो है कि
शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या जो है वो आपको 0.5 सेंटीमीटर है। अब शंकु की गहराई, तो शंकु की जो गहराई है यही उसका ऊंचाई भी होगा। तो ये आपको कितना है, 1.4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसके बाद घनाभ की विमाएं, ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, ये चीज आपको दे दिया गया है। अब यहां पर हमको करना क्या है, पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन, कलमदान में लकड़ी की आयतन। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन मतलब घनाभ की आयतन माइनस 4 गुना शंक्वाकार। कार गड्ढे का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस सबको गुना कीजिए, तो 15 10 को 3.5 से गुना करेंगे तो ये 35 हो गया, ये 4/3 पाई का मान होता है 22/7। आर का मान आपको हो गया, शंकु की त्रिज्या जो है वह 0.5 है, तो इसका स्क्वायर एच, एच इसका गहराई है, यह है 1.4। तो देखिए 7 × 2 = 14.2, ये हो गया। होने के बाद यहाँ पर आप देखिए 15 और 35 को गुना कीजिए, ये गुना होके आपको 525 आएगा इसका मान। इसके बाद देखिए, और यहाँ पर देखिए 2200 के क्या हो गया, 88, ये 25.25 गुना ये 0.2/3, ये हो गया 3। 525 माइनस सबको गुना कीजिए, ये 88 गुना ये देखिए 25 × 50, तो 0.02130, ये 25 × 50 यानी 5 हो गया 3। फिर गुना करेंगे 525 माइनस इसको गुना करेंगे तो 4.4 आएगा 3। अब आपको करना क्या है, इसमें जब आप भाग देंगे तो 525 माइनस क्या हो जाएगा, 4 से भाग देने पर 1.47 आएगा, इसको काटेंगे तो 1.47 आएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो घटाने के पश्चात आपको मिलेगा, ये पर देख लीजिए, 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचा, 4 में से 1 गया 3, तो 523.53 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, पूरे कलम दान में लकड़ी का जो है कि आयतन हो गया, यह इसका आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसका जो है कि त्रिज्या आधा सेंटीमीटर वाला एक गोला है, गोले आकार का जो कि गुल्ली इसमें डालते हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है मतलब 1/4 पानी जो है शंकु का निकल जाता है। तो इसका जो है कि पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए पहले शंकु आकार का है बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब इस प्रकार का एगो बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे बर्तन है पानी भरा हुआ है। ए इसको बी मानिए, ये सी हो गया। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसमें क्लियर करके दिया है 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। शंकु की ऊंचाई आपको सवाल में दिया है वो आपको 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब एगो जो है कि गोली, इसमें जो गोली गिरा रहे हैं, गोली मतलब गुल्ली, आप लोग खेलते होंगे तो जानते होंगे। तो ये गुल्ली का जो है त्रिज्या कितना है, तो ये 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर है। यानी गोली की त्रिज्या यह है आपको 0.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब गोली डालने से 1/4 पानी निकल जाता है, तो कह कितना है कि गोली इसमें डाले, तो गोली की संख्या, तो माना गोली की संख्या n, n तो देखिए n गुना गोली का आयतन, देखिए 1/4 पानी को निकाल देता है, तो मतलब 1/4 गुना इस शंकु का आयतन। क्यों हुआ, क्योंकि 1/4 भाग इसका जो कि पानी निकाल देता है। तो n गुना और गोली का आयतन, देखिए मतलब गोली मतलब गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 1/4। और शंकु का आयतन होता है वो आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चूंकि आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, त्रिज्या अलग अलग है, तो एक को आर वन मान लीजिए, सेम त्रिज्या नहीं देना है क्योंकि त्रिज्या का मान अलग अलग है। अब इसमें देखिए आपको ये 3 और ये 3 कट जाएगा, पाए और पाए आपको कट गया। अब यहाँ पर आपको क्या बचा, n गुना, अब देखिए गोली का त्रिज्या 0.5 है, 0.5 पर पावर क्या हो गया 3 बराबर 1/4। अब देखिए शंकु की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 का स्क्वायर, ऊंचाई इसका 8 सेंटीमीटर है, तो गुना 8 यानी 4 × 2 = 8 हो गया। होने के बाद n बराबर, देखिए इधर गुना है तो इधर क्या होगा, भागा में होगा, तो 25, ये 2 है तो 2, देखिए 0.5 है पावर 3 है तो ये 3 बार गुना होगा, 0.5 × 0.5 × 0.5, ये तीनों सुनना कटा, एक एक अंक के बाद है तो एक पर जो है कि 3 को सुनना चढ़ गया। अब देखिए 25, ये 5 और ये 5 खत्म, 205, 1000,
200 गुना 2 ये क्या हो गया 400, तो कितना गोली हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज जो छूट चुका है, ये चार, देखिए ये चार को कहीं नहीं दिए हैं, तो चार इसमें जो है कि गुना रहेगा ही, चार गुना एन, और यहाँ पर देखिए चार गुना एन रहेगा ही। अब चार एन बराबर कितना हो गया 400 हो गया। होने के बाद ये आप यहाँ पर देखिए तो 100, तो n का मान कितना हो गया 100, यानी 100 गोली अगर इस शंकु के अंदर में डालेंगे तो उसका एक चौथाई पानी निकल जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कड़ाई की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जो है कि आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान जो है कि ज्ञात कीजिए, जबकि एक घन सेंटीमीटर लोहे का भार जो होता है वो 8 ग्राम होता है, पाई का मान 3.14 लीजिए। यहाँ पर क्लियर करके बता दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, फिगर सबसे पहले बना लेना है। तो 6 नंबर का सवाल कह रहा है, यानी दो गो लोहे का स्तंभ जो है, एगो मोटका बेलना आकार का है, एगो पतरका बेलना आकार का है, तो ये मोटका जो है कि बेलना आकार का जो है कि स्तंभ हुआ। देखिए मोटका बेलना आकार का ये स्तंभ हो गया, इसी पर एगो पतरका बेलना आकार का स्तंभ है, ये पतरका बेलना आकार का स्तंभ हो गया, हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए, सबका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ये ओ ई ओ वन ई ओ टू, इसका नाम रख दिए। अब प्रश्न के अनुसार देखिए सबका हम लिख लेते हैं, इसका जो है कि क्या चीज दिया है, तो माना देखो दिया है आपको सवाल में दिया है मोटे बेलन की ऊंचाई h जो है वो 220 सेंटीमीटर है, व्यास 24 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या r जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद देखिए तो व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका आधा होगा यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पतले बेलन की देखिए, पतले ये जो पतला बेलन है तो इसका पतले बेलन की ऊंचाई h, सवाल में आपको दिया है 60 ये जो है कि सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है। अब मोटका बेलन की जो ऊंचाई है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 220 सेंटीमीटर है, इसका व्यास जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 12 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या।
उसके बाद देखिए पतले बेलन की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है सवाल में। आप लोग सवाल को उल्टा करके क्वेश्चन को देखिए, सारा चीज मिल जाएगा। अब लोहे स्तंभ का आयतन, ये पूरे का आयतन देखिए, ये मोटका बेलन का आयतन है जोर पतरका बेलन का आयतन, यानी पूरे स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो अब लो स्तंभ का आयतन, लो लोहे के स्तंभ का आयतन ये बराबर होगा मोटे बेलन का आयतन जोड़ पतले बेलन का आयतन। तो देखिए मोटे बेलन का आयतन, तो मोटका बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें सब कैपिटल लिए हैं, और पतरका बेलन का में जो है कि स्मॉल में लेना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान सेम होता है, तो पाई का मान पाई कॉमन ले लीजिए। अब बड़का जो है कि मोटका कैपिटल आर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, एच इसका कितना है 220, तो यहाँ पर 220 रख देना है, ये बीच में जोड़ है तो जोड़ आर, आर का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर, इसका एच कितना है 60, तो यहाँ पर गुना ये 60 दे दिए। अब देखिए पाई का मान 3.14 कह रहे लेने के लिए, ले लिए। अब देखिए बड़ बड़े 144 ये 220 जोड़ 64 गुना 60, अब 3.14 गुना, देखिए इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 31680 होगा, 31600 ये 80 गुना होके होगा जोर, इसको गुना करेंगे, 6 के 24, 6 के 36 2 38, 38 40 हुआ। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ने के पश्चात आपको 35520 होगा, 35520। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 11 15 11 15, ये 32.8 घन सेंटीमीटर सीएम क्यूब। अब आप लोग जानिए लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, यानी एक घन सेंटीमीटर का भार 8 ग्राम होता है, इसीलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर का भार कितना होगा, तो 8 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करने के पश्चात आपको ये होगा, गुना कीजिए 68 64, चलिए हमने गुना कर लिया है पहले से ही, तो ये आता है 89 22 62.4 ग्राम, ये ग्राम में आया, इसको हम क्या करेंगे केजी में बदलेंगे, तो 1000 से हम भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो केजी में ये बदल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 सुनना है, तो 1 2 3, यानी ये जो दशमलव है 3 अंक इधर आके बैठेगा,
ये केजी इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, बेलन का आयतन जो है कि निकाल लेना है और उसमें से घटा देना है जो ठोस डाले हैं उसके अंदर, उसके आयतन को घटा दीजिए, आपको जो है कि जो शेष पानी बचा है उसका आयतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो है कि फिगर बना लेना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। 7 नंबर है, यानी एक बेलन है, ये आपको क्या हो गया, एक बेलन हो गया। इसमें जो है कि एगो शंकु, एक जो है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये अर्धगोला हो गया। इस पर एगो शंकु जो है कि अध्यारोपित है। तो अब समझिए, ये एगो ड्रम है, ड्रम में ये जो आकृति देख रहे हैं इस प्रकार का, ये ड्रम पहले पानी से भरा हुआ था, ये आकृति डाल दिए, तो स्वाभाविक है ये आकृति आप जो है कि वो डाल रहे हैं तो ड्रम से पानी निकलेगा ही, बहेगा ही। तो देखिए इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ये हो गया ई, ई हो गया एफ, और इसको ओ मानिए, इसको हम क्या देते हैं, ओ डैश नाम दे देते हैं। अब यहां पर देखिए आपको क्या सब दिया है, तो ठोस शंकु की ऊंचाई, देखिए ठोस शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, यानी ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो है कि बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, ये 120-80 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक है तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया, 60 सेंटीमीटर, यानी आपको अर्धगोला की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गया। सारा चीज यहाँ पर निकल गया है, लिख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये 120 सेंटीमीटर, उसके बाद शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर 60 सेंटीमीटर और अर्धगोला की त्रिज्या आर 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए बेलन की ऊंचाई, सवाल में आपको दिया है बेलन की
ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, त्रिज्या सबका समान है, बेलन की त्रिज्या ये भी आपको 60 सेंटीमीटर है। अब शेष बचे पानी का आयतन, यानी डाले आकृति तो शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस, अब देखिए ये ठोस है मतलब बेलन है मतलब ड्रम है, तो इसका आयतन मतलब इसमें कितना पानी अटता है उसका आयतन, ये ठोस का जो आयतन है वो घटेगा, तो यानी ठोस का आयतन, ठोस में क्या सब मिला है, अर्धगोला मिला है और शंकु मिला है, ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, ठोस में क्या सब चीज आ गया, तो एगो अर्धगोला आया, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, उसके बाद एगो इस शंकु आया तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें से आपको क्या सब कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन में आपको आएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा कैपिटल एच माइनस, देखिए पाई आर स्क्वायर यानी दूगो आर निकाल लिए हैं तो एगो आर बचेगा 2/3, ये हो गया एगो आर यहाँ पर बच गया, ये माइनस से प्लस में गुना हो गया तो माइनस ये हो गया, पाई आर स्क्वायर निकाल लिए हैं तो 1/3 बचा है, ई एच बचा है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कैपिटल एच का मान क्या है, तो कैपिटल एच ई बेलन का ऊंचाई हो गया, इसका मान 180 है, 2/3 आर का मान, देखिए आर का मान 60 है, 60 देना ही है, 1/3 एच का मान, देखिए एच क्या हो गया इस शंकु का ऊंचाई है, तो शंकु का ऊंचाई देखिए 120 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 120 देना है, और पाई का मान यहाँ पर आपको ले लेना है 22/7, क्योंकि इसमें 3.14 नहीं कह रहा है लेने के लिए, तो इसलिए 22/7 होगा, आर का मान 60 का ई स्क्वायर हो गया, ये 180, ये देखिए 20 दिया 60, 40 दिया 120, तो यहाँ पर 20 दूनी 40 हो गया ये 40, तो यहाँ पर फिर लिखना है 22/7 3600, ये हो गया 180 डिग्री, 40 कितना हो गया ये 80 हो गया। उसके बाद देखिए 22/7 गुना 3600, 180 में से 80 गया कितना बचा, तो 100 बचा, सबको गुना कर देते हैं, तो सबको गुना करने के पश्चात आपको आएगा वो आता है 792 और 4 को 0 आता है, यानी 36 × 22 कीजिए, 36 × 72 72, 2 × 7 = 9 792, 2 × 2 = 4 4 × 0 7/7, इसको जब आप काटेंगे तो काटने के पश्चात इसका मान आता है वह आता है 1131428, .57 5/7 घन सेंटीमीटर आता है।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11, 31, 428, 57 घन सेंटीमीटर। अब इसको देखिए, घन सेंटीमीटर है, अब मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 11, 31, 428, तो घन मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो घन सेंटीमीटर है, तो देखिए 3 बार, यानी 3 बार 100 से भाग देना पड़ेगा, तो तब ये किस में बदल जाएगा, घन मीटर में बदल जाएगा। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा। 1.31, 4, 2, 8, 5, 7, ये जो है घन मीटर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब गोलाकार बर्तन है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे ने सही उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, यानी पाई का मान 3.14 लीजिए। तो सबसे पहले देखिए फिगर हम इसका बना लेते हैं कि इसका फिगर क्या होगा। तो 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर लिख दिए। और ये जो बर्तन है ये सुराही आकार का है, तो इसका एक पार्ट क्या है, गोला के आकार का है, और उसके बाद इसका गर्दन बेलन आकार का है। ऐसे आकृति का है। इसका व्यास कितना है, तो 8.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके गर्दन की लंबाई कितनी है, तो ये आपको 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए इसका व्यास कितना है, तो ये 2 सेंटीमीटर है। अब सब के बारे में हम लिख लेते हैं, तो गोलाकार भाग का व्यास, यानी ई गोलाकार भाग है, ई गोलाकार भाग है, ई बेलनाकार भाग है, तो गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, और गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसका आधा होगा, 2 से क्या करेंगे हम भाग देंगे, 8.5 बटे 2। उसके बाद देखिए बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई कितना होगा, बेलनाकार ही गर्दन, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई, तो बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई एच जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है,
गर्दन का व्यास जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए, इसलिए इसका त्रिज्या क्या होगा, आर जो होगा 2/2, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या। अब देखिए, इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन, तो इसमें जो भरे जाएगा पानी, तो इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, यानी एगो आयतन इसका जोड़ा जाएगा, एगो बेलन का आयतन को जोड़ा जाएगा, क्योंकि पानी तो यहाँ तक न भराएगा, तो गोलाकार भाग में भराएगा और बेलनाकार भाग दोनों में भराएगा, तो गोले का आयतन जोड़ बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है, वो होता है आपको 4/3 पाई आर क्यू जोड़, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से आप क्या कीजिए कि पाई कॉमन ले लीजिए, पाई आ गया कॉमन, क्या बचा 4/3। अब इसका त्रिज्या, गोला का त्रिज्या देखिए, वो आपको है 8/2 इसका होल क्यू जोड़ पाई निकलिए गया है आर, देखिए इसका आर जो है 1 है, 1 का स्क्वायर, एच देखिए एच 8 सेंटीमीटर है, अब पाई का मान 3.14 लेना है, ले लिए 4/3। अब देखिए 8.5, तो 3 है तो 3 बार गुना होगा, गुना हो गया, नीचे में 2 है तो ये 2, ये भी 3 बार गुना होगा जोड़, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को हम 8 से गुना करेंगे तो ये 8 हो गया। होने के बाद अब काटिए, 2 2 4 ये 2 और ये 2 कट गया, कटने के बाद यहाँ पर देखिए 3.14, अब ये सब गुना हो जाएगा, तो गुना हो करके देखिए कितना होता है, नीचे में ये 3 2 6 हो गया। होने के बाद तो गुना करने के बाद ये होता है आपको 614.125, 125 8 × 48, ये हो गया 48, ये 3.14 गुना, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए जोड़ के कितना होता है, तो ये 0.125 तो होगा ही, 125 नहीं पढ़ना है दशमलव के बाद, 614.125 पढ़ना है, तो 8 × 4 क्या हो गया, ये हो गया आपको 8 और 4 है, 8 × 4 = 12। उसके बाद 4 × 1 = 5 = 6/6। अब आपको करना क्या है कि भाग देना है, तो भाग देते हैं 2 से, इसमें भाग दीजिए तो 1.57 2 × 3 = 6, इसको गुना हम करेंगे, तो इन दोनों को गुना के फॉर्म में लिख लेते हैं, तीन गुना के फॉर्म में हम लिख लिए हैं। गुना करने के पश्चात अब क्या करना है कि इन दोनों को गुना कर लेते हैं और 3 से हम भाग देते हैं, तो गुना करने के पश्चात हो जाता है आपको 10.39.53625/3,
तीन से हम भाग देंगे तो ये हमको निकल के आता है 346.51, 346.51 आता है। तब बच्चा जो माप किया है वो किया है 345, बच्चा माप किया है 345, तो जो कि बिल्कुल गलत मतलब त्रुटिपूर्ण माप किया है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, तो देखिए ये त्रुटिपूर्ण माप किया है क्योंकि बच्चा जो है कि 345 से जो है कि माप किया है, लेकिन इसका जो सही इसमें जो अटेगा बर्तन में तो ये अटेगा 346.51, यानी ये नहीं लिख देना है, सही माप नहीं किया है यानी त्रुटिपूर्ण माप किया है।